तस्मात् अपिहार अर्थे न त्वं सोचो तुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कार्य पालन में तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कल जिस तरह से मैं समझा रहा था कि ये मानव शरीर जो हमें मिला है, इसके दो किनारे हैं। कल कह रहा था ना, याद है, नदी के दो किनारे हैं। एक किनारे का नाम जन्म है और दूसरे का नाम मृत्यु है। अब हमारी कश्ती जन्म के किनारे से निकल चुकी है, छूट चुकी है, और अब सामने मृत्यु है। और मृत्यु तक पहुंचते 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 कुछ अगर हमने नहीं किया तो फिर से दूसरा जन्म। अब ये जन्म और मृत्यु के बीच हमें कुछ करने का मौका मिला। जन्म तो हो चुका है और मृत्यु अभी होने वाली है। उससे पहले कि मृत्यु हो जाए हमें कुछ करना चाहिए। अब मृत्यु तो होने वाली है, मैंने कल ही कहा था कि हमारे जीवन में कोई रिवर्स गियर नहीं। अगर रिवर्स गियर होता तो सब फिर से मां के गर्भ में चले जाते हैं, लेकिन ना वो मां, ना वो गर्भ, ना ही हमारे जीवन में कोई वापसी का रास्ता। अब तो चलना है, चलना है, चलना है, और सामने कौन है जी? मृत्यु है। कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग मर रहे हैं,
और कुछ लोग मरने वाले हैं। तीन 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 है, कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ मरने, उसमें सबसे लकीएस्ट भाग्यशाली वो लोग हैं जो मरने वाले हैं, क्योंकि अभी भी उनको मौका है। जो मर रहे हैं उनके हाथ से मौका निकल गया, जो मर चुके हैं उनके हाथ से भी मौका, लेकिन जो मरने वाले हैं उनके हाथ में अभी मौका है कि वो चाहे तो अपनी मृत्यु को मंगलमयी बना सकते। अब कल जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि देखो जिंदगी एक आइसक्रीम जैसी है, आप लोगों ने खाई थी कल, जिंदगी आइसक्रीम जैसी है, आइसक्रीम को एक आप कप में रखिए, खाइए तो ठीक है, नहीं तो वो पिघल रही है। इसलिए मैंने कल कहा था या तो टेस्ट करो या तो फिर वो वेस्ट हो, टेस्ट करो या फिर वेस्ट करो। टेस्ट करो, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार, तो क्या करो, देहधारी का फल यही बजमन कृष्ण मुरार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भक्ति का टेस्ट करो, मनुष्य जन्म की मौज ये संत कबीर कहते, फिर कहां। वो फिल्म का नाम सुना था जिंदगी ना मिलेगी, अरे भाई गीता कहती है मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं जिंदगी तो दोबारा मिलेगी लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा दोबारा। जिंदगी तो मिलेगी जब कुत्ते बनोगे, जब बिल्ली बनोगे, जब सुअर बनोगे, जब चीते बनोगे, जब कुछ भी बनोगे तो जिंदगी तो मिलेगी ही, बिना जिंदगी की ये सब थोड़ी है, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। और जब जिंदगी मिलेगी तो कोई जिंदगी देने वाले मां बाप भी मिलेंगे, जिंदगी दे मिलेगी, जब जिंदगी जब मिलेगी तो जिंदगी देने वाले मां बाप भी मिलेंगे, और जिंदगी बर्बाद करने वाले भी मिलेंगे। क्या कहा, जिंदगी देने वाले मां बाप भी मिलेंगे और कुछ लोग जिंदगी बर्बाद करने वाले भी मिलेंगे। जिंदगी तो दोबारा मिलेगी लेकिन ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए कहा मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार, देहधारी का फल यही बजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार। इसलिए आइसक्रीम तो आपके पास है, उसको टेस्ट करो या फिर वेस्ट करो, वेस्ट करोगे तो पिघलते 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 किसी काम की नहीं रहेगी, और टेस्ट करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा और मृत्यु भी जी मंगलमयी हो जाएगी। अब कल मैं बता रहा था कि मृत्यु मंगलमयी, देखो कुछ लोग मृत्यु को भी उत्सव में परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी एक उत्सव होता है ना, ऐसे कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं
जिनकी डेथ पार्टी भी उत्सव होती है, वो उत्सव कर लेते हैं। पहली बात, क्या आप सुख से मरना चाहते हो? बोल नहीं रहा हूं, नहीं, सुख से मरना चाहते हो? तो सुख से वही मर सकता है जिसकी पहली शर्त है सुख से मरने की, जिसकी इच्छाएं कम है। जिसकी इच्छाएं कम। शालीन, शील से शालीन, मतलब शालीनता, मतलब शील, मतलब शील। अच्छा, सुशीला नहीं बोला, शीलता होनी चाहिए जीवन। शील पहली शर्त जीवन में, भद्रता होनी चाहिए सुख से मरने के लिए। क्योंकि जिनकी इच्छाएं इधर उधर 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 अनेकों शाखाओं में बटी है, मरते समय भी उनको सुख नहीं होता है। क्योंकि एक बात याद रखना, जो व्यक्ति सुख से जी नहीं सकता वो सुख से मर भी नहीं सकता। और सुख से जीने के लिए सबसे पहली शर्त इच्छाएं कम। सिंपल थिंकिंग है, हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। नो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जिसके जीवन में सादगी है, सरलता है, शीलता है, जो शीलवंत है, जिसकी इच्छाएं कम हैं। क्यों? अब हम आते हैं आगे, आठवें अध्याय पे चलते हैं सीधे के सीधे। यम यम वापी सिमरन भावम तैजेते अंते कलेवरम। अब जब बात, मैंने कल कहा था कि अब आपके सामने जन्म तो आपका हो चुका है, अब उसको कुछ कर सकते हो? जन्म तो आपका हो चुका है, वो आपके हाथ से मामला निकल चुका। एक चीज बची है, वो है मृत्यु। अब मरना कैसे चाहते हो? कृष्ण भावना में या संसारिक भावना में? कैसे मरना चाहो? कैसे मरना चाहो? जैसे हमें कभी कभी ऐसे बोलते ना, ये दाल कैसे खाना चाहोगे, चपाती के साथ या चावल के साथ? बोलते हैं ना, दाल कैसे खाओगे, चावल के साथ या चपाती के साथ? ऐसे मैं आपसे पूछता हूं, कैसे मरना चाहते हो? संसारिक भावना के साथ या कृष्ण भावना के साथ? कैसे मरना चाहते हो, कृष्ण भावना के साथ या संसारिक भावना के साथ? अब यहां दो विकल्प आपके सामने भगवत गीता में रख दिए गए हैं। कैसे? एक विकल्प है
यम यम वापि सिमरन भावम तेजते अंते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देखो कृष्ण आपके सामने दो प्रकार की मृत्यु के विकल्प रख, मृत्यु है लेकिन उसके विकल्प है। विकल्प ये नहीं कि मरने, मरना तो यही, लेकिन कैसे मरना है, कैसे मरना है? दो विकल्प है। एक बात तो याद रखो, गीता स्पष्ट कह देती जातस्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब वो आप टाल, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का ये फाइनल वर्डिक्ट है, लिख दिया गया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। एक बात बताऊं, जब हमें पता है कि बरसात आने वाली है और वो टले टलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, बरसात को टालने की कोशिश करते हैं या हम ना भीगे उसके कुछ साधन एकत्रित करते हैं, ना भीगे उसके कोई साधन करते हैं। दूसरे शब्दों में बरसात को हम टाल तो नहीं सकते हैं लेकिन प्लास्टिक डाल तो सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह लो, बरसात टाल नहीं सकते हैं लेकिन सर के ऊपर छाता डाल सकते हैं। सिंपल भाषा बोल रहा हूं। या तीसरे शब्दों में मृत्यु बरसात टल नहीं सकती है, कम से कम बरसात का सामना तो कर सकते हैं। ऐसे ही अब मृत्यु जो है वो टल नहीं सकेगी, टाली न टले, टाली न टले, नो 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 कुछ नहीं। अब लेकिन देखो भगवान कितने दयालु है कि उस मृत्यु को भी मंगल करने का मार्ग दे दिया, कि आप अपनी मृत्यु को कैसे मंगल कर सकते हो। एक तरफ है जंगल, एक तरफ है मंगल। अब आप अपनी मृत्यु में जंगल या मंगल, अब अगर आप सुख से मरना चाहते हो तो पहला काम करो अपनी इच्छाओं को कम करो, सहज में रहो, जो कृष्ण ने दिया, जो भगवान ने दिया उसको स्वीकार करो। श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने कहा नाउ एज इट इज, नाउ जो अभी प्रेजेंट है और जैसा है, जो है वो जैसा है उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत, अपनी परिस्थितियों से जी भागो मत, उसका सामना करो। यही पूरी गीता का सार है कि अर्जुन उन परिस्थितियों से भागना चाहता था और कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन उसका सामना करें। अब हमारे साथ भी परिस्थितियां क्या है, जन्म जरा मौत और व्याधि, ये परिस्थितियां, इससे भागे कोई भाग नहीं सकता। क्योंकि पहली बात है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी मृत्यु हुई है उसका दूसरा जन्म भी है, तो जन्म को आप टाल नहीं सकते, जन्म से भाग नहीं सकते, ना ही
बुढ़ापे से भाग सकते हैं, ना ही मुसीबतों से भाग सकते और ना ही मृत्यु से भाग सकते। तो इन परिस्थितियों से भागना नहीं है बल्कि इनका सामना करना। अब सामना कैसे किया जाए, ये कला, ये जो कला है वो भगवत गीता सिखाती है। ये कला कौन सिखाती है जी? भगवत गीता सिखाती। अब कुछ लोग मर गए, हाथ से मौका निकल गया। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, ये मेरे हाथ में क्या तीर कमान है ना? मान लो ये मेरे हाथ में तीर कमान है। अब मैंने इधर रखा है, किधर रखा है? ये कौन सी दिशा है? मान लो पूर्व की दिशा। मैंने पूर्व की दिशा में ये ऐसे करके तीर को रखा, किसके साथ? ये बाण किसके साथ रखा है? धनुष के साथ रखा है खींच के। लेकिन अभी ये बाण धनुष से निकला नहीं है, छूटा नहीं। चाहूं तो दिशा बदल सकता हूं, बोलो ना हाँ या ना? बदल सकता हूं। क्यों बदल सकता हूं? कि अभी जो बाण है वो धनुष से छूटा नहीं है। चाहूं तो मैं इस दिशा से इस दिशा पे बदल सकता हूं। लेकिन एक बार देखो, किसी को लगे नहीं है, ये मैं छोड़ रहा हूं। अब छूटने के बाद मैं दिशा बदलूं तो कोई काम की नहीं, क्योंकि वो अब एक बार धनुष से बाण निकल गया, अब दिशा। ऐसे जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है, आप संसार से ईश्वर की ओर अपनी दिशा बदल सकते हो। आप संसार से कृष्ण की ओर, असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी दिशा को बदल। वो हम प्रार्थना गाते ना, असतो मा सतगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य और मृत्यु मा अमृतम। बदल सकते हो, ये हमारे वेद सिखाते हैं, ये हमारे मृत्यु माम अमृतम गम्यम, बदल सकते हो, बदल सकते हो। यहां से यहां बदल दिया, क्यों? कि अभी धनुष में बाण है, दिशा बदल सकते हो। एक बार बाण छूट गया, फिर बदलने से कुछ नहीं। इसी तरह से अभी आपके शरीर में प्राण है, हाथ पांव हिलाओ थोड़े, अरे हिलाओ, वेरी गुड, मतलब प्राण है। ये इस बात का प्रूफ है, संकेत है कि प्राण है। आप चाहो तो अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी दिशा बदल सकते। भाई सच सच बताओ, आप लोग खाली पेट हो, सच बोलोगे? हम एक सड़क पे जा रहे हैं, और आगे एक बोर्ड लगा होता है, आगे दुर्घटना हो सकती है, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी को मोड़ नहीं लेते? इसको कहते हैं सही फैसला। क्या कहते हैं? अब कृष्ण कह रहे आगे मृत्यु है, मैं नहीं कह रहा हूं, जातस्य ही ध्रुव, जिसकी
जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है। तो सामने क्या खड़ी है? मृत्यु। अब आपको गाड़ी मोड़नी है कि नहीं? देखो, मैं आपको बहुत सरल, बहुत प्रैक्टिकली और बहुत सहज में समझा रहा हूं। कोई जटिलता नहीं है, ना जटिलता है ना कुटिलता है, सरलता है। धर्म न जटिल हो न कुटिल हो, बल्कि कैसा हो? सरल हो। ऐसा सरल हो कि जिस पे चलने से सुखद हो। अब आज मैं आपको फाइनली बता देता हूं, अपनी दिशा बदलनी है या जहां चल रहे हो चलते रहो। सोचना पड़ेगा आपको। अब सामने दो जी विकल्प है, और वो कौन से विकल्प है ये कल बताऊंगा। चुनो और चलो। क्या कहा? चुनो और चलो। हम क्या करते हैं पता है? सुनो और चलो। हेलो घर, हेलो कम पुरुथियो। सुनो और चलो नहीं, बल्कि चुनो और चलो। सुन साहिबा, सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। मुसीबत यह है कि तू भी मुझे चुन नहीं चुनते हो। कृष्ण परमात्मा भगवान ने तो हमें चुन लिया है, तभी तो आज हम सत्संग में बैठे हैं। यह संकेत है कि हमें चुन लिया है, नहीं तो धक्के खा रहे होते पता नहीं कहीं। कहीं धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन भगवान ने तो हमको चुन लिया है। बस अभी थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, फिर कैसे? हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हम हां करने को तैयार नहीं। हम अभी तक सोच रहे हैं, मुझे है, मुझे सोनू, मुझे बबलू, मुझे बबली, मुझे है, मुझे है, मुझे शॉप, मुझे दुकान, मुझे है, मुझे है, मुझे मुझे नंदड़ो, मुझे बबलू, मुझे पपलू, बस लगे पड़े हैं इसमें। माँ है कंदो, माँ है कंदो, माँ है भी कंदो, माँ है भी कंदो। हे घर वठणो आ, हे फ्लैट वठणो आ, हे दुकान वठणी आ, बिजनेस करणो आ, 3 करोड़ कमाना आ, बस इसमें सब आ गया। अभी तक हमने हां नहीं की। जिस दिन हम हां कहेंगे ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान ने तो चुन लिया है, तभी तो हमारे कानों तक ये सब ये शब्द पहुंच रहे हैं। भगवान ने तो हमें चुन लिया है, तभी तो ऐसे कई लोग हैं जिनको घर बैठे सत्संग पहुंच रही है, मतलब उनको तो घर बैठे ही भगवान ने चुन लिया है। वाया 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 पहुंच गई। जिनको घर बैठे सत्संग मिली है, समझ लेना उनको घर बैठे रिश्ता पहुंचा है भगवान का। अब वो स्वीकार करते हैं या नहीं? कृष्ण हमसे रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं पीछे। हम उन लोगों के लिए भाग रहे हैं जो ना कभी हमारे हुए हैं ना कभी हमारे होंगे।
इसलिए अब या तो मृत्यु को मंगल करो या मृत्यु को मातम, आपके हाथ, या मृत्यु को मंगल करो या फिर मृत्यु का दंगल करो यम के साथ, फैसला आप पे छोड़ दिया। कल आपके सामने दो विकल्प रखे जाएंगे, उसमें से एक चुन लो तो जीवन धन्य हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं आप क्या चुनोगे, वही चुनोगे जिसमें आपका सर्वश्रेष्ठ कल्याण होगा, सर्वश्रेष्ठ कल्याण। इसलिए आखिरी में फिर कहता हूं, जिंदगी एक आइसक्रीम जैसी है जो पिघल रही है, या तो उसका टेस्ट करो या उसका वेस्ट करो। जिंदगी एक आइसक्रीम जैसी है, चाहे उसका टेस्ट करो या फिर उसका वेस्ट करो। तो मरने वाले मर रहे हैं और मर जो मर चुके उनके हाथ से अब निकल चुका तीर, क्योंकि याद रखना तीन चीजें कभी रिटर्न नहीं होती, शरीर से निकला प्राण, जबान से निकला शब्द और घड़ी से निकला समय, कभी वापस नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं हर दिन सुंदर बनाओ, क्योंकि ये समय फिर हम रोज सत्संग आते हैं, मतलब रोज हमारा दिन सुंदर होता है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए हैं। तसव्वुर प्रीतम का तसव्वुर, कृष्ण का तसव्वुर, तसव्वुर मतलब ध्यान। ये जो आप सारा दिन कृष्ण के ध्यान में बैठे रहते हो ना, ये रात दिन कभी ढूंढने को भी मिलते नहीं है। इसीलिए कवि ने कहा दिल ढूंढता है फिर वही, और ये कब शेर याद आएगा, जब कोई बिस्तर में गिर जाता है, फिर ढूंढता है वो रात जब शयन दर्शन, ढूंढता है वो सुबह जब मंगल आरती, ढूंढता है वो समय जब सत्संग, ढूंढता है वो समय, ढूंढता है। हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा न जाने कहां, कहां होंगे, इसका एड्रेस कल बताऊंगा। हम कहां भी होंगे डजंट मैटर, लेकिन होंगे कृष्ण के पास, कहां भी होंगे लेकिन पुकारते रहेंगे लो। मुझे इस पे भी गाना याद आ गया, एक तो ये गाने मेरा पीछा नहीं छोड़ते, जब हम जवां होंगे जाने फिर आगे, लेकिन कहां होंगे तुम्हें याद करेंगे, फरियाद करेंगे तुम्हें, हरे कृष्णा लेकिन जहां होंगे वहां पर याद करेंगे, जहां भी हो याद। मैं जहां रहूं जहां भी रहूं तेरी याद साथ, ये मत भूलना नहीं तो लटक जाओगे।
हम भूल गए हर बात मगर तेरा ये मत भूलना, ये भूल गए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो कल हम दो विकल्प पे बात करेंगे कि मृत्यु के भी, मृत्यु तो है लेकिन मरना कैसे है, इसके दो विकल्प है और इन विकल्प पे कल हम चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गौर, जय जय श्री राधे राधे।